नमस्कार साथियों, पावर ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जिसमें एक गुरु की श्रेष्ठता को दर्शाया गया है। कॉलेज के चार विद्यार्थी एक रात देर तक मस्ती करते रहे और जब होश आया तो अगली सुबह होने वाली परीक्षा का भूत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। परीक्षा से बचने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। मैकेनिकों जैसे गंदे और फटे पुराने कपड़े पहनकर वे प्रिंसिपल के सामने जा खड़े हुए और उन्हें अपनी दुर्दशा की जानकारी दी। उन्होंने प्रिंसिपल को बताया कि कल रात वे चारों एक दोस्त की शादी में गए हुए थे। लौटते समय गाड़ी का टायर पंचर हो गया। किसी तरह धक्का लगा लगा कर गाड़ी को यहाँ तक लाए हैं। इतनी थकान है कि बैठना भी संभव नहीं दिखता। पेपर हल करना तो दूर की बात, यदि प्रिंसिपल साहब उन चारों की परीक्षा आज के बजाय किसी और दिन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। प्रिंसिपल साहब बड़ी आसानी से मान गए। उन्होंने 3 दिन बाद का समय दिया। विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद दिया और जाकर परीक्षा की तैयारी में लग गए। 3 दिन बाद जब वे परीक्षा देने पहुँचे तो प्रिंसिपल ने बताया कि यह विशेष परीक्षा केवल उन चारों के लिए ही आयोजित की गई है। चारों को अलग अलग कमरों में बैठना होगा। चारों विद्यार्थी अपने अपने नियत कमरों में जाकर गए बैठ। जो प्रश्न पत्र उन्हें दिया गया उसमें केवल एक ही प्रश्न था, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। 100 अंक का ये प्रश्न था। इसमें विकल्प दिए गए थे, ए अगला बायां, बी अगला दायां, सी पिछला बायां, डी पिछला दायां। प्रश्न देखकर चारों के सिर चकरा गए। आखिर तब उन्हें समझ आया, आखिर गुरु ही होता है। घटना से हमें यही सीख मिलती है कि अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और उनसे कभी भी झूठ ना बोलें। धन्यवाद।